जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का फतेहाबाद के गांव का दौरा हुआ। जनसंपर्क अभियान के तहत रतिया के आधा दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया गया और रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर वो बोले, मुझे जिला निमंत्रण 22 को कार्यक्रम में जाऊंगा। वहां शामिल होने के लिए कांग्रेस को लेकर बोले कि राम सबके भगवान है, राजनीति के और बहुत मंच के, देश उत्साह से मना रहा है, उन्हें भी होना चाहिए शामिल। और जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने ये भी कहा कि अपने जनसंपर्क अभियान के तहत फतेहाबाद के रतिया हल्के के गांव में दौरा पर रहे और अपने दौरे के दौरान उन्होंने आधा दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। मीडिया से बात करते हुए जैसे चौटाला ने कहा कि रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का नेता जो मिला है वे 22 जनवरी को कार्यक्रम में जरूर शामिल हो जाएंगे। और वहीं कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रम में शामिल न होने के बयानों पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, पूरा देश उत्सव मना रहा है, उन्हें भी इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए और भी मंच है, वहां करे राजनीति। 2024 को लेकर के पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है और उसी कड़ी में आज रतिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम रखे हुए हैं, आज भी है और परसों भी है। तो ये सिलसिला निरंतर लोकसभा विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा। आज फतेहाबाद के रतिया हिल में कितने गांव में आप दौरा कर रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को? 6 गांव के कार्यक्रम आज हैं, 6 के परसों हैं। एक राम मंदिर को लेकर के भी जो है एक प्रोग्राम रखा गया है, आपके क्या इसमें विचार है सर? उसको भी मुझे निमंत्रण मिला है और मैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होऊंगा। कांग्रेस मना कर रही है शामिल होने के लिए, क्या उसको किस एंगल से देखते हैं आप? भगवान राम तो सबके थे, राजनीति करने के मंच तो और बहुत हैं, वहाँ पर करें, इसको तो हर्षोल्लास से पूरा देश आज सेलिब्रेट कर रहा है, उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए।